खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आज सावन का दूसरा सोमवार है और शिवरात्रि से पहले का दिन है, और ऐसे में NH 58 पर जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी तो आपको नजर आएंगे चारों ओर शिव भक्त कांवड़िए, उनके दौड़ते हुए वाहन, उनके जो शिव बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं वो लगातार नाचते गाते हुए आगे की तरफ दौड़ते हुए आपको नजर आएंगे। बाइकों का रैला जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में फिलहाल हरिद्वार से दिल्ली की तरफ, हरियाणा की तरफ जो बाइकों का रैला है वो जा रहा है, क्योंकि ये वो तमाम लोग हैं जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर फिलहाल मेरठ तक पहुंच चुके हैं और अब आगे का जो सफर है वो तय कर रहे हैं। शिवरात्रि पर जाकर अपने स्थानीय शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं डाक कांवड़ों की तस्वीर है, ये डाक कांवड़ यानी के दौड़ती हुई कांवड़, ये लोग जब से गंगा जल उठाते हैं तब से लेकर लगातार चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, रुकते नहीं है। यही एक डाक कांवड़ की तस्वीर है कि आप देख सकते हैं तमाम शिव भक्त कांवड़िए इसी तरीके से जब से गंगा जल उठाएंगे तब से लेकर लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। और यही नज़ारा, यही तस्वीर जो है फिलहाल NH 58 पर पूरे के पूरे देखने को मिलती है, क्योंकि शिवरात्रि से एक दिन पहले सावन का दूसरा सोमवार है तो ऐसे में चारों ओर आपको पूरे के पूरे नेशनल हाईवे नंबर 58 पर, जिसको आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया, यहाँ पर नजर आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ शिव भक्त कांवड़िए। शिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले जो कांवड़ियों की तस्वीर है वो कुछ इस तरह की नजर आएगी कि सिर्फ दो तरह के जो कांवड़िए हैं वो बहुतायत में यानी कि बड़ी संख्या में नजर आएंगे। पहली तस्वीर है पैदल चलने वाले शिव भक्त कांवड़ियों की, आपको जो पैदल शिव भक्त कांवड़िए हैं जो अपने कंधे पर कांवड़ रखकर चल रहे हैं उनकी बड़ी तादाद नजर आएगी। इसके अलावा जो डाक कांवड़े हैं वो शुरू हो चुकी हैं, डाक कांवड़ यानी के गंगा जल हरिद्वार से भरकर चलने के बाद ये लोग लगातार अपने शिवालयों तक ऐसे ही दौड़ते हुए भागते हुए जाते हैं, अलग अलग तरह की अलग अलग टीमें बनाते हैं और गंगा जल कभी भी किसी भी टीम मेंबर के हाथ में रुकता नहीं है, लगातार चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। एक बार गंगा जल हरिद्वार से उठाते हैं तो फिर जाकर अपने स्थानीय शिवालयों में, शिव मंदिरों में ही भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करते हैं। तो इसी तरह की जो तस्वीर है वो फिलहाल आज यहाँ पर शिवरात्रि से एक दिन पहले देखने को मिलती है, जिसमें जो पैदल कांवड़ यात्री हैं वो बहुतायत में यानी कि बड़ी संख्या में नज़र आते हैं। तो दूसरी तस्वीर जो है वो शिव भक्त कांवड़ियों की है, डाक कांवड़ियों की है, जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर चले हैं और अपने स्थानीय शिवालय और शिव मंदिरों में कल शिवरात्रि के दिन जाकर बाबा भोलेनाथ के चरणों में गंगा जल अर्पित करेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ रक्षित सिंह, ABP न्यूज़ मेरठ।